A very good morning, children. Welcome to the class. So I hope you all are doing the regular studies properly in a well manner. Children, the topic which I am going to discuss with you is the stages of personality development. It is a topic which is related to the psychodynamic approach, which is given by the Sigmund Freud. The Sigmund Freud have taught about some of the stages of personality development. उन्होंने personality development के कुछ stages बताया. Like how the personality develop. So Freud claimed that the core aspects of personality are established early and other remain stable throughout the life and can be changed only with great difficulty. फ्रेड का ये मानना था कि कुछ एक्सपेक्ट होते हैं जो पर्सनैलिटी के यू कैन से दैट द कोर एक्सपेक्ट ऑफ द पर्सनैलिटी, जो कोर एक्सपेक्ट होता है पर्सन की पर्सनैलिटी का, वो स्टेबल होता है पूरी लाइफ तक और वो चेंज हो सकता है इन केस एनी विद ग्रेट डिफिकल्टी, मीन बहुत मुश्किल से ही वो चेंज होता है. एंड चिल्ड्रेन, यस चिल्ड्रेन, इट इज वेरी ट्रू ऑल्सो टू पर्सन की पर्सनैलिटी के जैसे कुछ एस्पेक्ट है. अगर पर्सन की पर्सनैलिटी का ये एस्पेक्ट है कि वो बहुत ही हार्ड वर्किंग है, तो वो उसकी पर्सनैलिटी का स्टेबल कैरेक्टरिस्टिक है जो उसकी पर्सनैलिटी से कभी नहीं जाएगा. It is very difficult to change. A person who have the personality to work hard. He proposed a 5-stage theory of personality, also called psychosexual development theory. So Sigmund Freud ने 5-stage थ्योरी बताई थी पर्सनालिटी डेवलपमेंट की. अगर स्टेजेस की बात करें तो उन्होंने 5-stage थ्योरी बताई थी, 5-stage थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट. प्रॉब्लम्स इनकाउंटर्ड एट एनी स्टेज मे अरेस्ट डेवलपमेंट एंड हैव लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑन अ पर्सन्स लाइफ. अगर प्रॉब्लम किसी भी स्टेज में आता है तो वो डेवलपमेंट को इफेक्ट पड़ता है और उसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट पड़ता है पर्सन की लाइफ पे. फ्रेड ने बोला दीज ऑल स्टेजेस प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. ये सारे स्टेजेस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और इस स्टेजेस में अगर पर्सन कोई भी प्रॉब्लम फेस करता है तो उसको उसी प्रॉपर टाइम पे शॉर्ट आउट हो जाना बहुत जरूरी है, अदरवाइज वो एक प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है पर्सन के लिए आगे जाके. सो लेट अस डिस्कस अबाउट एवरी स्टेजेस वन बाय वन. द फर्स्ट स्टेज व्हिच अकॉर्डिंग टू द सिगमंड फ्रेड इज ओरल स्टेज. ओरल स्टेज, दिस इज द फर्स्ट स्टेज. A newborn's instincts are focused on the mouth. Oral stage, it indicated from the name, the word oral. Oral, which is something related to the mouth. In this stage, the pleasure seeking principle is centered on the mouth. Pleasure seeking principle जो होता है, वो mouth में centered होता है. और जो बच्चे होते हैं, they feel very satisfied in pleasure. In chewing, in biting, in swelling, all these things. Thumb sucking. So these things. So it is a period of infancy and basically it is a period from 0 to 2 years. So the newborn's instinct are focused on the mouth. This is the infant's primary pleasure seeking center.
It is through the mouth that the baby obtains food that reduces hunger. The infants achieve oral gratification through feeding. Oral gratification यानी oral satisfaction बच्चों को feeding से होती है, thumb sucking से होती है, biting से होती है and babbling से होती है. It is during these early months that people's basic feeling about the world are established. Thus for Fred, an adult who considered the world a better place probably had difficulty during the oral stage of development. ये फ्रेड का कहना था. Very different philosophy and very interesting also. फ्रेड का ये मानना था कि अगर पर्सन का ओरल स्टेज से वो सक्सेसफुली पास आउट नहीं हो रहा है तो क्योंकि इसी स्टेज में वर्ल्ड के बारे में अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है और अगर पर्सन उससे सक्सेसफुली पास आउट नहीं हो रहा है तो फिर उसे आगे जाके वो उस वर्ल्ड को लेके अपने सराउंडिंग को लेके एक नेगेटिव थॉट अपने माइंड में रखेगा. बहुत से लोग उस स्टेज को सक्सेसफुली पास कर पाते हैं, बहुत से लोग इस स्टेज को सक्सेसफुली पास नहीं भी कर पाते और इट रिमेन द एक्टिविटीज रिमेन व्हेन दे गोज टू द नेक्स्ट स्टेज आल्सो. जैसे आप लोगों ने इसकी स्टेज की जो इयर्स होती है वो 0 to 2 years की होती है और आपने देखा होगा बहुत से ऐसे बच्चे 2 साल के बाद भी थम सकिंग करते हैं तो ओरल स्टेज उन्होंने क्रॉस नहीं किया होता. द थम सकिंग ऑल्सो रिफ्लेक्ट सम काइंड ऑफ इनसिक्योरिटी इन देयर माइंड. The next stage which taught about the Sigmund Freud is anal stage. So oral stage is the stage of 0 to 2 years and major seeking principle here is mouth. And the activity which they will do is thumb sucking. Biting. Chewing, thumb sucking है, biting है and babbling. These are the activities which happen during the oral stage. The second stage which was discussed by the Sigmund Freud is anal stage. It is from 2 to 4 years का ये एज पीरियड होता है. हियर द मेजर सीकिंग प्रिंसिपल इज एनस एंड द एक्टिविटी विच चाइल्ड डू इज द टॉयलेट ट्रेनिंग. यहां दी जाती है बच्चों को जब वो 2 to 4 years में होते हैं. So I hope you all are writing it down and mentioning these points. So it is found that around ages 2 and 3, the child learn to respond to some of the demands of the society. One of the principal demands made by parents is that the child learns to control the bodily functions of urination and defecation. Most children at this stage experience pleasure in moving their bowels. The anal area of the body becomes the focus of certain pleasurable feeling. This stage establishes the basis for conflict between id, ego, and between the desire for babyish pleasure and demand for adult and controlled behavior. यही स्टेज पे बच्चों को कॉन्फ्लिक्ट होता है इड और ईगो में, क्योंकि इड हमारा डिजायर पे वर्क करता है और ईगो हमारा रीजन पे वर्क करता है. तो बच्चे जो हैं उनको जिस चीज से प्लेजर मिलता है वो करना चाहते हैं बट पेरेंट्स उन्हें मना करते हैं. पेरेंट्स डिमांड ऑफ द कंट्रोल्ड बिहेवियर, एडल्ट बिहेवियर, बट बच्चे एक बेबीश बिहेवियर करना चाहते हैं तो उनके
उनके माइंड में कहीं ना कहीं एक कॉन्फ्लिक्ट होता है बिटवीन इड एंड ईगो. सो दिस इज अबाउट द एनिमल स्टेज. नेक्स्ट मूविंग टुवर्ड द थर्ड स्टेज इज द फैलिक स्टेज. आई एम रबिंग इट एंड आई होप यू ऑल हैव रिटन इट डाउन ओरल एंड एनिमल. देन कम द फैलिक स्टेज. This is the third stage, phallic stage. It is a stage of from 4 to 5 years. 4 to 5 years का एज होता है और इसमें कॉम्प्लेक्सिटी अराइज होती है. डिफरेंट काइंड ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी डेवलप्स होती है चाइल्ड में. कॉम्प्लेक्सिटी डेवलप्स दो तरीके की कॉम्प्लेक्सिटी को मेंशन किया गया. एक इडीपस कॉम्प्लेक्स और एक है इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स. इडीपस में ओ साइलेंट रहता है इसलिए हम लोग इडीपस इसको प्रोनाउंस करते हैं. एंड देन इज द इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स. तो ईडीपस कॉम्प्लेक्स एंड इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स ये दो तरीके के कॉम्प्लेक्स अराइज होते हैं फैलिक स्टेज में. सो दिस स्टेज फोकसेस ऑन द जेनिटल. एट अराउंड एजेस 4 and 5 चिल्ड्रन बिगिन टू रियलाइज द डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल. मेल और फीमेल के बीच में जो डिफरेंस होता है उसकी टेंडेंसी डेवलप हो जाती है. अंडरस्टैंड द difference between male and female. Understand the difference between male and female. अब बच्चे समझने लगते हैं कि मेल कौन है और फीमेल कौन है. They became aware of sexuality and the sexual relationship between their parents. During this stage, the male child experience the Oedipus complex and girl child experience the Electra complex. Male यानी boy में Oedipus complex होता है. ये भी important point है जानना आपको. ये Oedipus complex boy में होता है और Electra complex girl में होता है. Okay? So during this stage, the male child experiences the Oedipus complex, which involves love for the mother and hostility toward the father, and the consequent fear of punishment of castration by the father. Basically, इसमें जो same gender होता है, उसको हम लोग hate करते हैं, and जो opposite gender होता है, हम उसे like करते हैं. यूजली होता क्या है, जो बॉयज होते हैं इडीपस कॉम्प्लेक्स डेवलप करते हैं तो उनका मदर से अटैचमेंट ज्यादा होता है एंड फादर को वो डिसलाइक करते हैं. और गर्ल्स क्या होती है, द इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स, द गर्ल हैज द अटैचमेंट टुवर्ड देयर फादर एंड दे स्टार्ट डिसलाइकिंग देयर मदर. मदर को डिसलाइक करते हैं. तो ये जो वर्ड है इडीपस कॉम्प्लेक्स, ऐसा नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इडीपस एक ग्रीक किंग था. ये एक राजा का नाम था हुज अनोइंगली किल्ड हिज फादर एंड देन मैरिड हिज मदर. उसने अपने फादर को किल करके मदर से मैरी किया था. तो उसी पे ये कॉम्प्लेक्स का नाम सिगमंड फ्रेड ने रखा कि इसमें द बॉय हैज एन अटैचमेंट टुवर्ड द मदर एंड हैव एन हेट्रेड फीलिंग टुवर्ड द फादर. सिमिलरली इलेक्ट्रा थी. इलेक्ट्रा भी एक ग्रीक कैरेक्टर थी जो कि हु इंड्यूस्ड हर ब्रदर टू किल देयर मदर. जिन्होंने अपने ब्रदर को इंड्यूस किया कि वो अपने मदर को मार दे. बेसिकली उन्होंने अपने मदर को किल किया और अपने फादर से मैरी किया. तो इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स नाम रखा गया सिगमंड फ्रेड ने इस इंसिडेंट्स पे. इलेक्ट्रा जो थी वो एक फीमेल कैरेक्टर थी और ईडीपस जो थे वो एक मेल कैरेक्टर थे. सो दे ईडीपस हैज मैरी विद देयर मदर एंड किल देयर फादर.
So it shows that Oedipus complex is a complex where the person have an attraction toward the opposite gender, means toward, like if the person is male, so the attraction toward the female and don't like the same gender. So same happened with the Electra also. A major developmental achievement of this stage is the resolution of the Oedipus complex. This takes place by accepting the father's relationship with his mother and modeling his own behavior after his father. तो इस सारे कॉम्प्लेक्स से रिजोल्यूट करना, रिजोल्यूशन करना बहुत ही जरूरी है डेवलपमेंट के लिए. एंड फॉर गर्ल्स द Oedipus कॉम्प्लेक्स कॉल्ड द Electra कॉम्प्लेक्स एंड फॉलो अ स्लाइटली डिफरेंट कोर्स. By attaching her lover to love to the father, and the girl tried to symbolically marry him and raise a family. When she realizes that this is unlikely, she began to identify with her mother and copy her behavior as a means of getting or sharing in her father's affection. The critical component in resolving the Oedipus complex is the development of identification with the same sex parents. In other words, boys give up sexual feeling for their mother and begin to see their father as role model rather than as rivals, and girls give up their sexual desire for their father and identify with their mother. Iska successful resolution is the stage ka yahi hai, pehle stage ka. Slowly child understand the things very properly and attain somewhere the a kind of maturity and understanding that they start understand their feeling. Just for like for example, the boys have the feeling for their mother, so that was deteriorated with the time. And they start considering father as their role model. Similarly, girls deteriorate their feeling toward their father and start considering their mother as a role model. So, जो problem initially होती है इस stage में, जैसे ही बच्चे enter करते हैं, वो at the end of this stage it completely resolved, वो खत्म होने लगती है. बट अगर ऐसा नहीं होता है, अगर इन केस ऐसा हुआ कि ऐसा नहीं हो रहा है, तो फिर वो पर्सन के डेवलपमेंट में इफेक्ट करता है. दैट इज व्हाई द सिमरन फ्रेड सेड दैट सक्सेसफुली पासिंग थ्रू एवरी स्टेजेस इज वेरी इंपॉर्टेंट. हर एक स्टेज से सक्सेसफुली पास करना बहुत ही ज्यादा इम्पॉर्टेंट है फॉर द प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल. ओके, आगे बढ़ते हैं. The next stage after the phallic stage is latency stage. I hope you all have written it down. The fourth stage is the latency stage. Latency stage from after the phallic stage. The latency stage from after the phallic stage, and it is a stage of year 5 to 7 years. So just imagine the child of 5 to 7 years. आपको imagine भी करना है oral stage 0 to 2 year, जहां plagiar second principle mouth है. Then बच्चे आ रहे हैं 2 to around 4 years, जहां पे toilet training हो रही है. देन 4 to 5 years कॉम्प्लेक्स अराइज हो रहे हैं, और सक्सेसफुल रिजोल्यूशन ऑफ सच काइंड ऑफ कॉम्प्लेक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड आफ्टर दिस वन इज द 5 to 7 year इज द स्टेज. 5 to 7 year, दैट इज द 4 to 5 year. फैलेंसी स्टेज एंड लेटेंसी इज 5 to 7 year. सो
इस स्टेज जो है, इस स्टेज में आप कह सकते हैं कि पर्सन थोड़ा, जो चाइल्ड जो होता है थोड़ा मैच्योर होने लगता है। आप इमेजिन कर सकते हैं 5 to 7 ईयर चाइल्ड दे, तो ऐसे बच्चे दे स्टार्ट गोइंग टू द स्कूल, स्कूल जाने लगते हैं, उनकी ऑब्वियसली सोशलाइजेशन उनका स्टार्ट हो जाता है। दे आर अबाउट टू स्टार्ट देयर सोशलाइजेशन। अर्लियर दे ओनली इंटरेक्टिंग विद देयर पेरेंट्स ओनली, एंड दे आर लिविंग इन ओनली द फैमिली इन्वॉल्वमेंट। बट नाउ फ्रॉम फैमिली इन्वॉल्वमेंट दे आर मूविंग टू द स्कूल इन्वॉल्वमेंट, वेयर दे आर गेटिंग द टीचर्स, पीयर ग्रुप, सो मेनी पर्सन इन्वॉल्व इन देयर लाइफ। सो ऑब्वियसली इट द चेंज इन द इन्वॉल्वमेंट हैव सम एफेक्ट ऑन द चाइल्ड ऑल्सो। सो ड्यूरिंग दिस पीरियड द चाइल्ड कंटिन्यू टू ग्रो फिजिकली बट सेक्सुअल अर्जेस आर रिलेटिवली इनएक्टिव। मच ऑफ ए चाइल्ड्स एनर्जी इज चैनल्ड इनटू अ सोशल और अचीवमेंट रिलेटेड एक्टिविटीज। जब लेटेंसी स्टेज में बच्चे आते हैं तो वो थोड़ा सोशली ओरिएंटेड होने लगते हैं, दे बिकम सोशली ओरिएंटेड। ठीक है, सोशली ओरिएंटेड होने लगते हैं। और वन इम्पॉर्टेंट पॉइंट, अचीवमेंट, सोशली ओरिएंटेड और अचीवमेंट ओरिएंटेड होने लगते हैं। सोशली ओरिएंटेड एंड अचीवमेंट ओरिएंटेड होने लगते हैं। जैसे कि स्कूल में गए तो अब उनका जो सेक्सुअल अर्जेस है, बायोलॉजिकल एस्पेक्ट है, वो थोड़ा कम हो जाता है, सोशल एस्पेक्ट ज़्यादा डोमिनेंट होने लगता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने देखा होगा, यू हैव ऑब्जर्व द चिल्ड्रेन, इफ द टीचर गिव देम द स्टार, दे बिकम वेरी हैप्पी। देखो, दे शो इट टू देयर पेरेंट्स कि देखो मुझे स्टार मिला। सो दे बिकम एन अचीवमेंट ओरिएंटेड। उनको दे वॉन्ट टू बी रैंक फर्स्ट इन द क्लासरूम, दे वॉन्ट टू बी द लाइक गुड स्टूडेंट ऑफ देयर टीचर। तो ऐसा होता है, दे वॉन्टेड एन अटेंशन ऑल्सो, दे स्टार्ट हैविंग द मोर अटेंशन। तो दिस इज द लेटेंसी स्टेज। ओके, तो आफ्टर द लेटेंसी स्टेज द कम द जेनिटल स्टेज। दिस इज द लार्ज स्टेज एंड द फिफ्थ स्टेज ऑफ द पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड अकॉर्डिंग टू द सिगमंड फ्रॉयड। जेनिटल स्टेज, जेनिटल स्टेज इज अबाउट फ्रॉम ईयर 7 to above 7 ईयर्स से अबव के जो बच्चे होते हैं वो जेनिटल स्टेज में आते हैं। ठीक है, ड्यूरिंग दिस स्टेज द पर्सन अटेन मेच्योरिटी इन साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट। मेच्योरिटी आ जाती है, दिस स्टेज इज कैरेक्टराइज बाई द मेच्योरिटी। द चाइल्ड अटेन द मेच्योरिटी, उनमें मेच्योरिटी रहती है। दे अटेन मेच्योरिटी इन साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट। द सेक्सुअलिटी फियर्स एंड रिप्रेस्ड फीलिंग्स ऑफ अर्लियर स्टेजेस आर वंस अगेन एग्जिबिटेड। अब इस स्टेज पे एक बार फिर से ये आ जाता है। अभी तक पहले स्टेज में ये पूरी तरह से कम्प्लीटली खत्म हो जाता है, बट जब हम जेनिटल स्टेज में बच्चे आते हैं तो ये सारी चीज़ें जो पहले थी उनके में, जैसे सेक्सुअलिटी या जो भी रिप्रेस फीलिंग्स थी या फियर्स थे किसी भी स्टेज में, वो फिर से आगे आने लगते हैं। पीपल लर्न टू डील विद मेंबर्स बट द विद द डिफिकल्टी ऑल्सो दे हैव लर्न सो मेनी थिंग्स। लाइक पीपल लर्न टू डील विद मेंबर्स ऑफ द अपोजिट सेक्स इन अ सोशली एंड सेक्सुअली मैच्योर वे। However, if the journey toward this stage is marked by excessive stress or overindulgence, it may cause fixation to an earlier stages of development. So, basically, इस स्टेज में
चाइल्ड मैच्योरिटी अटेंड कर लेता है रिगार्डिंग ऑल दीज काइंड ऑफ मैटर्स, सेक्सुअल चेंजेस, फिजियोलॉजिकल चेंजेस, एंड दे अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप प्रॉपरली. दे डोंट हैव अ सच काइंड ऑफ कॉम्प्लेक्स विच वॉज अराइजेज इन द स्टेज ऑफ फैलिक स्टेज. सो ये चीज़ें नहीं होती हैं जेनिटल स्टेज में. सो ओवरऑल यही फाइव स्टेजेस हैं जो कि सिगमंड फ्रेड ने डिस्क्राइब किए थे, ओरल स्टेज, एनल, फैलिक, लेटेंसी एंड जेनिटल. हेयर वी हैव कंप्लीटेड दिस वन. इफ यू हैव एनी डाउट सो रिगार्डिंग दिस वन यू विल आस्क इन द क्लासरूम. ओके, योर क्वेश्चन शुड कम एंड आई विल डेफिनेटली आंसर योर डाउट्स एंड योर क्वेश्चन. The two terms which are related to this stages are, which is very important for you all to understand, is fixation and retardation. The first word is fixation and second word is retardation. फिक्सेशन एंड रिग्रेशन ये है क्या? फ्रेड थ्योरी ऑल्सो पोस्टुलेट दैट एज चिल्ड्रेन प्रोसीड फ्रॉम वन स्टेज टू अनदर स्टेज ऑफ डेवलपमेंट दे सीम टू एडजस्ट देयर व्यू ऑफ द वर्ल्ड. फेलियर ऑफ ए चाइल्ड टू पास सक्सेसफुली थ्रू अ स्टेज लीड्स टू फिक्सेशन टू दैट स्टेज. In this situation, the child development get arrested at an earlier stage. For example, a child who does not pass successfully through the phallic stage fail to resolve the Oedipus complex and may still feel hostile toward the parent of the same sex, same gender. This failure may have serious consequences for the child life. Such a boy may came to consider that men are generally hostile and may wish to relate to females in a dependable relationship. So basically, passing through every stages according to the Sigmund Freud is very very important. Har ek stage se successfully pass karna bahut hi important hai. कॉम्प्लेक्सेस का अपने टाइम पे, अपने प्रॉपर पीरियड पे सॉल्व होना इट्स ऑल्सो अ वेरी इम्पॉर्टेंट. सिमिलरली बेसिकली फिक्सेशन मतलब होता है कि जो चाइल्ड है वो उसी पर्टिकुलर स्टेज पे फिक्स हो जा रहा है और वो उसके कॉम्प्लेक्सेस को रिजोल्यूट नहीं कर पा रहा और आगे स्टेज में नहीं बढ़ पा रहा. जैसे मैंने एक बच्चे का बताया कि अगर ओरल स्टेज में थंब सकिंग होता है तो एनल स्टेज में जाने पर भी बहुत से बच्चे थंब सकिंग करते हैं, यानी वो उसी स्टेज पे फिट्स हो रहे हैं, ओरल स्टेज से वो सक्सेसफुली पास करके एनल में नहीं आए हैं. ठीक है, फैलिक स्टेज में भी ये सारी चीजें अगर रह जाती हैं, टॉयलेट ट्रेनिंग नहीं हो पाती फैलिक स्टेज में होती हैं, तो अगेन वो एनल स्टेज में ही अभी फिक्सेट है, फैलिक पे नहीं आ पाए हैं. सेकेंड टर्म है रिग्रेशन. Regression is also likely outcome in such situation. It takes a person back to an earlier stage. ये person को पीछे ले जाता है. Regression occurs when a person resolution of problem at any stage of development is less than adequate. In this situation, people display behavior टिपिकल ऑफ ए लेस मैच्योर स्टेज ऑफ डेवलपमेंट. फिक्सेशन और रिग्रेशन में डिफरेंस यही है बच्चों कि फिक्सेशन यानी वो पर्सन उसी पर्टिकुलर स्टेज पे फिक्स हो गया है और रिग्रेशन में यानी पीछे चले जाना, यानी एनल स्टेज तक आ गए बट फिर से ओरल में चले गए, या जेनिटल स्टेज तक आ गए फिर से फैलिक स्टेज में चले जाना, कॉम्प्लेक्सेस उनमें दिखना. मैच्योरिटी अटेन करने के बाद भी हम उनमें अगर कॉम्प्लेक्सेस दिख रहा है तो दैट इज अ व्हाट इज दैट वन दैट इज अ रिग्रेशन.
So regression is going back to an earlier stage and fixation is stopping or resist at a particular stage. So this is the two main topic which is related to the stages of personality development, and I think that you understand the concept very properly. So basically Sigmund Freud told that passing through every stages is very very important, and each stage has its own characteristics which every child pass through. So there should not be fixation, there should not be regression. And so thank you so much for carefully observing this video and listening to me.